एक ऐसा ऋषि जिसका नाम लेने मात्र से ही सांप नहीं काटते। एक बार नागों की माता कद्रू ने किसी बात पर क्रोधित होकर नागों को श्राप दे दिया कि राजा जनमेजय जब सर्प यज्ञ करेंगे तो उसी में तुम सब भस्म हो जाओगे। जब राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई तब राजा जनमेजय अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने नागदाह यज्ञ करने का निर्णय लिया। जब राजा जनमेजय ने नागदाह यज्ञ प्रारंभ किया तो उसमें बड़े छोटे वृद्ध युवा सर्प आकर गिरने लगे। इस भयानक सर्प यज्ञ से डरकर तक्षक नागदेव राज इंद्र के यहाँ जाकर छुप गया। जब आस्तिक मुनि को नागदाह यज्ञ के बारे में पता चला तो वे यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ की स्तुति करने लगे। यह देखकर जनमेजय ने उन्हें वरदान देने के लिए बुलाया। तब आस्तिक मुनि राजा जनमेजय से सर्प यज्ञ बंद करने का निवेदन किया। पहले तो जनमेजय ने इनकार किया लेकिन बाद में समझाने पर वे मान गए। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने सर्पों को भस्म होने से बचा लिया। ऐसा कहा जाता है कि आस्तिक मुनि का नाम लेने से जहरीले सांप भी बिना नुकसान पहुंचाए ही चले जाते हैं। दोस्तों कमेंट में जय आस्तिक मुनि अवश्य लिखें।